साक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी आखिरकार कंफर्म हो गई। कई दिनों से उसकी शादी की खबरें पर सस्पेंस बना हुआ था। बताया गया कि 23 जून को यह दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं। खबरों की माने तो रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद शाम को एक फंक्शन रखा जाएगा और शादी अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि इतने दिनों से उड़ते खबरों को लेकर लोग सीरियस नहीं थे। सभी लोगों को लग रहा था कि यह महज एक अफवाह है, लेकिन अब इन दोनों की शादी की खबरों पर मुहर लग गई है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबर हर तरफ फैल गई है। इस शादी में शामिल होने वाले गेस्ट की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और जहीर अब शादी की बात को लेकर कोई भी जानकारी देने में हिचकिचा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सोनाक्षी सिन्हा की किसी दोस्त ने उनकी शादी की खबर को सही बताया है। 23 जून को यह दोनों कपल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है और अब दिग्गज एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो ने भी इन दोनों कपल की शादी पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने कंफर्म किया है कि उन्हें भी शादी में आने का न्योता मिला है। हालांकि अभी तक सोनाक्षी और जहीर ने अपनी शादी की खबरों पर चुप्पी शादी हुई है, लेकिन फिर भी उनके शादी की खबरें चारों तरफ फैल चुकी है। अब देखना है कि यह दोनों एक्टर शादी के बंधन में बनते हैं या नहीं।